और वो टॉपिक का नाम है कैटर। लास्ट पीरियड में हमने सीखा था, देखो होमवर्क में आपको दिया गया था ना एक वेजिटेबल्स ग्रुप, जिसमें आपको पीडीएफ मिल गई थी, उसके हिसाब से आपको कलर करना था बराबर, और स्क्वायर डिजाइन जो बेसिक हमारी होती है, क्योंकि लाइन के बाद शेप और शेप के बाद आता है स्क्वायर डिजाइन। अब हम डायरेक्टली हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैटर। कैटर कैसे बनाएंगे? तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 के ऊपर एक कैटर का पिक्चर लिखा है, दिया हुआ है। देखो पेज नंबर 5 के ऊपर एक कैटर का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे ब्लैक आउटलाइन है और बाजू में जो दिया हुआ है वो खाली ट्रेस है, वो लाइन क्लियर नहीं है, ट्रेसिंग किया हुआ पिक्चर है। आपको ट्रेस करना पड़ेगा, मतलब ऐसे डॉट डॉट में दिया हुआ है, आपको ट्रेस करना है। लेकिन हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे खाली, यहाँ पे ओनली जो यहाँ पे कैटर आउटलाइन में दी हुई है ना, उसमें आप अपने चॉइस के कलर करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर जो ब्लैक आउटलाइन में बनाई हुई है कैटर, उसमें आपको अपने हिसाब के, अपने चॉइस के कलर यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे खाली आपको आउटलाइन करनी है क्रेयॉन कलर से, मीन्स ट्रेस करना है, सिर्फ ट्रेस करना है। यहाँ पे वापस रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ड्रॉइंग किया हुआ है, उसमें आपके चॉइस के कलर और यहाँ बाजू की साइड में जो है कैटर लाइन को ट्रेस करनी है ब्लैक कलर से, कलर नहीं करना। तो एक पिक्चर कलर का रहेगा टेक्स्ट बुक में। अब हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे कैटर। तो कैटर कैसे बनानी है? यहाँ पे जो बनाई है उसे थोड़ी बहुत अलग करेंगे हम। तो देखो बोर्ड के ऊपर आपको राउंड दस से पहले एक सर्कल बनाना है। यहाँ पे मार्जिन कर देंगे, हेडिंग लिखो कैटर, क्लासवर्क करके जो डेट आती है वो डेट लिखो। चलो अब यहाँ पे हम राउंड दस से या फिर मास्टर सर्कल जो होता है ना प्लास्टिक का, उसे भी आप राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक राउंड बनाना है, जैसे देखो ऐसे एक सर्कल बना लिया। अब उसका हैंडल बनाएंगे, तो यहां से लेके ऐसे उसका हैंडल, ऐसे हैंडल बन गया। यहाँ पे वो होता है ऐसे से, आपने देखिए ना कैसे, यहाँ पे वो सिर्फ बनाएंगे धीरे धीरे, और लाइट लाइट ड्रॉ करेंगे हम लोग, जिसकी जरूरत हमें नहीं है वो लाइन बाद में इरेज कर देंगे बराबर। इतना हो गया हमारा, अब यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ओवल से दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन हमें सर्कल लेना है, क्योंकि ओवल से बनाने के लिए वो प्लस मार्जिन करेगा, फिर ऊपर ओवल का जो शेप है वो बनाना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि हम सर्कल ही बना लें राउंड में। अब यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनानी है, देखो नीचे स्टैंड बनाना है उसका, ऐसे स्टैंड बनाओ नीचे। चलो अब अंदर के जो पैटर्न है वो, तो वो पैटर्न कैसे बनाना है? पहले आपको ऐसे लाइट एक ब्रांच बना लेंगे, सिर्फ आपको दिखाई दे इनफ है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रांच इसलिए बनाएंगे कि बैलेंस रहे पैटर्न का। यहाँ पे एक फ्लावर बनाएंगे, देखो ऐसे फ्लावर बन गया, एक फ्लावर को ऊपर की ओर, अब जो ब्रांच बनाएंगे ना उसको ऐसे हमारे पैटर्न हो गए, बस इतना ही सेव करना है हमें, डिजाइन एक्स्ट्रा कुछ डिजाइन।
ए की क्लियर हो गई हमारी आउटलाइन। सेम वे ड्रॉ हो गया, स्केच पेन से बॉर्डर करनी है, ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर हो गए। आफ्टर 2 मिनट उसे इरेज करो, क्योंकि ब्रैकेट से हो गया ना उसको हमें मिटा लेना है, तो वो इरेज हो गया। अब कलर स्टार्ट करना है, तो कलर कैसे करेंगे आपको? तो आपको पीडीएफ मिलेगी उसकी के कलर मैम ने कैसे किया है। तो पीडीएफ के साथ आपको डेट देख के आपको कलर करना होगा, वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो ये रही हमारी क्लास वर्क। अब आपको होमवर्क में, तो होमवर्क आपको पहले ही बता दिया है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे कलर, यहाँ पे ओनली आउटलाइन। तो टेक्स्ट बुक में ड्राइंग एक और एक हमारा नोटबुक में, दोनों ड्राइंग आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, थैंक यू।